लोकसभा चुनाव का संकनात हो चुका है। प्रथम चरण में महाकौशल और बिंद में मतदान भी हो चुका है। अब मध्य प्रदेश की 23 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इससे लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रचार कर रही है। हमारे साथ शिवा सिंह चौहान के सुपुत्र है कार्तिक चौहान, जो प्रचार कर रहे हैं। कार्तिक जी, आप पापा के लिए प्रचार कर रहे हैं? मैं पिताजी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी विचारधारा के लिए प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि पहले पार्टी विचारधारा है और उसके बाद कोई रिश्ते होते हैं, और हमारी पार्टी की संस्कृति है। मैं प्रचार कर रहा हूं तो बुधनी विधानसभा के लिए और विदिशा लोकसभा के लिए, यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए, कि मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार बने, हमारे विचार की सरकार बने, और हम अपने विचार को लेकर देश की प्रगति और देश के विकास में योगदान दें। कार्तिक जी, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कितना अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार विधानसभा चुनाव में भी आप प्रचार करते थे, अब लोकसभा चुनाव में भी? जो कसर विधानसभा चुनाव में बची थी वो लोकसभा में पूरी हो जाएगी, जहाँ तक बुधनी विधानसभा का सवाल है। आठों में सभी विधानसभा अच्छी करेंगी और बुधनी भी उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने का लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी वो लगातार विकास को लेकर मैदान में उतरे हुए, कह रहा है विकास नहीं हुआ, जो मूल मुद्दे उनको लेकर बात कर रहा है। अब वो कांग्रेस का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और उन लोगों के लिए केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि पहले वो नेतृत्व हासिल करें, पहले वो नीति हासिल करें और विचारधारा लेकर आए पार्टी में। उनके पार्टी के लोग इन सब चीजों की गैर मौजूदगी में अपनी पार्टी को छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, उनको समेटें और फिर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलें। हम लोग एक हैं पार्टी के कार्यकर्ता, और एक होकर एक लीडर के अधीन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रत्याशी जी के मार्गदर्शन में हम लोग एक होकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 18 साल का लंबा अनुभव है पिताजी का मुख्यमंत्री का, और छठी बार वापस लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। जनता के बीच में वो खुद कहते हैं कि मैं यहीं से हमेशा रहा हूँ, हमेशा राजनीति यहीं से करूँ, और राहुल गांधी पे भी निशाना साधा था अभी कि वायनाड से। निश्चित रूप से 18 साल का अनुभव रहा है, और इसलिए एक प्रत्याशी के रूप में विदिशा संसदीय लोकसभा क्षेत्र में वो बेहतर ऑप्शन भी है और बेहतर काम करने का हुनर भी रखते हैं, और पार्टी में उनकी वरिष्ठ, उनके कार्यकाल में उन्होंने कई प्रकार के एक्सपीरियंसेस गैदर करे हैं, जिसका निश्चित रूप से विदिशा संसदीय क्षेत्र को फायदा होगा। वोटिंग परसेंट कम हुआ था, आप यहाँ भी एक संदेश दे रहे थे, तो क्या मतदाताओं को कहना चाहिए? ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ, पहले चरण में देखा गया है हमारे मध्य प्रदेश में तो कई जगहों पर संतोषजनक छिंदवाड़ा में 73% हुआ, संतोषजनक हुई है, लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ कि लोकतंत्र का महापर्व है, आप 5 साल अपना भविष्य चुनने जा रहे हैं, और ऐसे में अगर वोटिंग परसेंट कहीं कम होता है तो निर्णायक भविष्य चुनने में अपने देश को तकलीफ होगी। हमारे भविष्य का सवाल है, इसलिए अपने भविष्य के लिए अपने घर से 2 मिनट जरूर निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अपने संसदीय क्षेत्र और अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं, लोगों को प्रेरित करें, ये महायज्ञ है, इसमें कोई हम ऐसी कोई बात नहीं कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो क्यों करें, ये महायज्ञ है, और हमारी कार्यकर्ता होने से पहले हम देश के नागरिक हैं, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वोटों को मोबिलाइज करके उनको पोलिंग बूथ तक ले जाएं। पिताजी, आपके स्टार प्रचारक है, पूरे प्रदेश में घूम रहा है, कई राज्यों में भी जाएंगे, अब लोकसभा की जिम्मेदारी आपके पास भी, तो क्या लग रहा है इस बार कितनी सीट आ पाएंगे? हमारे विदिशा संसदीय क्षेत्र में जिम्मेदारी 1-2 व्यक्तियों पर नहीं है, 19.5 लाख लोगों पर है, और सब 19 लाख 19.5 लाख लोग स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी बनकर चुनाव लड़ रहे हैं, और सब ये जीतेंगे भी। तो ये हमारे साथ कार्तिक चौहान थे, जो शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र हैं, लगातार वो प्रचार कर रहे हैं उनके पिताजी के लिए। जिस तरह से मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह है, राजगढ़ से चुनाव लड़ा है, उनके बेटे जयवर्धन सिंह जो वो प्रचार कर रहे हैं, इसी तरह सिंधिया जी हैं, उनके बेटे भी महाआर्यन वो भी प्रचार कर रहा है। अब शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र हैं कार्तिक चौहान और उनकी धर्मपत्नियां हैं साधना सिंह, वो लगातार बुधनी विधानसभा में तो सक्रिय थे ही, अब लेकिन विदिशा लोकसभा में भी सक्रिय दिखाई दे रहा है। कैमरामैन रवि के साथ एबीपी न्यूज के लिए सीहोर से नितिन ठाकुर।